ਫਿਲਮ ਬਾਹੂਬਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। जब से मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनिशिएटिव लिया था, व्हेन आई गॉटन आई गॉट एसोसिएटेड विद दैट, तब से मेरे जहन में था कि शांता आंटी जो मेरे बहुत ही करीबी हैं उनके ये एक फंक्शन पे मुझे आना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सालों से कर रहे हैं। दिस इज़ द सिक्स एडिशन, तो ये इनका छठा साल है। सो इट्स यू नो इट्स समथिंग दैट दे डू एवरी ईयर, एंड बहुत ही खुशी हो रही है आज कि मैं इस साल इस यू नो इस इसका हिस्सा हो सकी। एंड एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी जसमीत अंकल के लिए, जो जिनको मैं बहुत करीबी से जानती हूँ। उन्होंने ये 1000 किलोमीटर्स का साइकिल किया है, जो जो बहुत ही मुश्किल है, और वो हर साल करते हैं। और यही एक नॉट जस्ट फॉर द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, बट ऐसे बहुत से कॉजेज़ हैं जो जहाँ मैं मुंबई में रहती हूँ वहाँ पर वर्सोवा में गुरुद्वारा है, वहाँ पर ही इज़ बिन एसोसिएटेड विद डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। सो ही समवन हुज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क, एंड ही समवन हुज़ वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट giving back to the society and making a difference. And as someone who has always supported you know the girl child and any cause associated with the girl child, I think main bahut khush naseeb hu ki aaj main iska hissa ban saki hu, and I'm always there to support this cause, and I'm always there to support you know RBL Bank, who's come, who always is very socially conscious and does things which makes a difference, makes an impact. और शायद मेरे जैसे एक सेलिब्रिटी का आना सिर्फ यही है कि हम अवेयरनेस फैला सकते हैं इस मामले में, ताकि देव रेज सम रियली अमेजिंग फंड्स। कैन आई टॉक अबाउट? ओके, सो दैट्स द सस्पेंस। ओके, द सस्पेंस इज बहुत ही अच्छे फंड्स कलेक्ट किए गए हैं फॉर द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, एंड ये सही हाथों में रखे जाएंगे जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकें। एंड सो या आई मीन इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात नहीं हो सकती कि यू नो ये अमृतसर में अब हो रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, क्योंकि नॉर्मली मेरा काम थोड़ा साउथ की तरफ होता है, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा चली जाती हूँ, बट इस गर्ल चाइल्ड एसोसिएशन से मैं यहाँ आई हूँ। सो बहुत खुशी हो रही है मीडिया सबसे मिल के भी, और आपका ये सपोर्ट के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। यू हैव बीन फर्स्ट टाइम इन अमृतसर? नहीं जी, आई हैव बीन बिफोर टू अमृतसर, आई हैव बीन मेनी टाइम्स। बाहुबली के बाद एकदम से आपका सारे वर्ल्ड में जो है वो नाम जो है वो मशहूर हो गया जी, उसको और इस काम को आप कैसे देख रहे हैं दोनों चीज़ों? वो तो मेरा प्रोफेशन है जी, जिससे मैं अपना काम है। How did you feel at that time and how are you feeling now? बाहुबली या मेरा एक एक्ट्रेस होना वो मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन है, बट जो भी मैं गर्ल चाइल्ड के लिए करती हूँ या जो भी मैं कोई सोशल कॉज के लिए करती हूँ वो मैं अपने आप के लिए करती हूँ, बिकॉज एज अ सिटीजन ऑफ आर कंट्री इट्स नॉट बिकॉज आई एम अ सेलिब्रिटी आई नीड टू डू दिस, और नॉट बिकॉज मेरे मुझ पे ये है कि यू नो अरे मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए सोशल कॉजेज़ के लिए, बट ये मेरे बचपन से ये मैं हमेशा अपने लेवल पे मैं करती आई हूँ। आई फील ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी का काम नहीं होता या एक सोशली यू नो जो बहुत फेमस है उनका काम नहीं होता, ये हम सभी का काम है। हम थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आज जो मेरे अंकल हैं जिन्होंने इतना लंबा साइकिल करके, उन्होंने बहुत मेहनत लगती है, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि आप 1000 किलोमीटर्स साइकिल कर पाए पहली बार, तो वो हर एक इंसान जो कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है वो उतने ही क्षमता से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। सो इट्स ग्रेट दैट मैं तो बस यहाँ पर सपोर्ट करने आई हूँ। सो आई फील लाइक ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरा, ये मेरा निजी है, मेरे लिए मेरा पर्सनल मामला है। बिल्कुल सर, मैं सिंधी हूँ तो मुझे पंजाबी समझ में आती है थोड़ी थोड़ी, मुझे आप सिखा देंगे तो आप कुछ बोलने को कहेंगे तो सत श्री अकाल। एक्चुअली जब मैं दक्षिण में चली गई थी तो मैंने तभी एक ही हिंदी फिल्म की थी, एंड मैं ना तो फिल्मों से थी, मेरा कोई फैमिली फिल्मों से नहीं था, तो फॉर मी आई जस्ट वांटेड टू बी एन एक्टर,
बट मुझे साउथ में बहुत सराहा गया और अभी फॉर्चुनेटली ऑल ओवर इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट सो आई एम एंजॉयिंग दैट.